बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू नॉलेज ऑफ मैथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फिर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया गया हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि इस हम यानी कि हम ये चेक कैसे चेक करेंगे कि इसकी टोटल वेरिएशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, या टोटल वेरिएशन को फाइंड करने के कितना स्टेप हैं। तो यानी कि हम कम्प्लीटली टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल। कंसिडर द सम समेशन आई वेरी फ्रॉम वन से एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का मॉड। The set of these sums is infinite. It changes when we make a refinement and partition in these set of sums which is bounded above. Then the function is known as bounded variation, and the supremum of set is known as total variation of function on closed interval AB. कहने का मतलब यह है कि टोटल वेरिएशन फंक्शन क्या है कि जो सम है समेशन आई वेरी फ्रॉम वन से एन एफ एक्स आई माइनस वन का, जो इस सम का जो सुप्रीमम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, टोटल वेरिएशन फंक्शन कहलाता है। अगर इस सम का जो सुप्रीमम है वो हमारे पास क्या हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड वेरिएशन कहलाता है। अदरवाइज इस सम का जो सुप्रीमम है वो क्या कहलाता है, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। अगर लेस देन इनफिनिटी होगा तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। तो इसकी मैथमेटिकल नोटेशन देखते हैं। तो टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन किसके बराबर होता है, सुप्रीमम ऑफ समेशन आई वेरी फ्रॉम वन से एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का मॉड। या हम कह सकते हैं कि टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ समेशन आई वेरी फ्रॉम वन से एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का मॉड। मतलब कहने का यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम ऑफ समेशन आई वेरी फ्रॉम वन से एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का मॉड, होल का मॉड। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया गया हो तो हम उसकी टोटल वेरिएशन किस तरह फाइंड करते हैं, या टोटल वेरिएशन फाइंड करने के कितने स्टेप्स हैं वो हम कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है लेट एफ वन से और बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दैन शो, वो कहता है कि शो दैट एफ इज़ है बाउंडेड वेरिएशन, या फाइंड द टोटल वेरिएशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी फंक्शन की टोटल वेरिएशन फाइंड करने के हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, फोर स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एफ आई फाइंड करेंगे, उसके बाद डेल एफ आई का मॉड फाइंड करेंगे सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम डेल एफ आई मॉड का समीशन लेंगे। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल एफ आई मॉड का जो हमने समीशन लिया हुआ होगा उसका हम क्या लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे या लीस्ट अपर बाउंड जिसे कहते हैं वो ले लेंगे। तो देखते हैं हम इसको। तो एज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डोमेन क्या है इसकी, क्लोज इंटरवल वन से टू है। सपोज हम करते हैं कि हमारे पास पी इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू वन से एक्स एन इज इक्वल टू टू तक हमारे पास ये पार्टीशन है। बी किसकी, अब वन से टू। देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेल एफ आई फाइंड करते हैं। डेल एफ आई इज इक्वल टू है एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन। तो जब हम फंक्शन जो गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है इसको फंक्शन में पुट करते हैं
ऊपर का क्या बन जाता है एकदम, एक्स आई क्यूब माइनस एक्स आई माइनस वन क्यूब। इसका मॉड लेते हैं सेकंड स्टेप में, इसका मॉड लेने के बाद हम थर्ड स्टेप में हम इसका समीशन लेंगे दोनों साइड पे। जब हम समीशन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह बन जाता है। तो समीशन लेने के बाद हम समीशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स टू क्यूब माइनस एक्स थ्री क्यूब एक्स टू क्यूब माइनस एक्स वन क्यूब प्लस वन एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस वन क्यूब। तो जो अपोजिट वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाती हैं, एक्स एन क्यूब माइनस एक्स नॉट क्यूब। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स एन हमारे पास क्या है टू है, और एक्स वन एक्स नॉट क्या है हमारे पास वन है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, सेवन। तो इसका लास्ट स्टेप क्या है, इसी समीशन आई वेरी फ्रॉम वन से एंड एल एफ आई मॉड का हम क्या ले लेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम लेते हैं। जब हम लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इसका लेते हैं तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेवन क्या है, सेवन है, क्योंकि सेवन हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सेम ही होता है वही कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन है हमारे पास क्या आई है, सेवन आई है। तो हम इस तरह किसी भी गिवन फंक्शन की टोटल वेरिएशन को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है तो हम उसकी टोटल वेरिएशन फाइंड करने के फोर स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम डेल एफ आई फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में हम डेल एफ आई का मॉड फाइंड करेंगे, थर्ड स्टेप में हम डेल एफ आई मॉड का समीशन लेंगे, लास्ट स्टेप में हम उस फंक्शन का उस समीशन का लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ले लेंगे। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। अगर उसी फंक्शन टोटल वेरिएशन ऑफ उसी टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन का रिजल्ट क्या आ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तब तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। अगर वो लेस देन इन्फिनिटी नहीं आता तब हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।